मीडिया के साथी और शिमला शहर की प्रबुद्ध जनता, दोस्तों आज के समय के अंदर जब छात्र सड़कों पर है, जब पूरे यूनिवर्सिटीज के अंदर, पूरे कॉलेज के अंदर ये आंदोलन नौरुकर हो रहा है, हमारी सरकारें इस आंदोलन को दिखावे की बात कर रही थी, लेकिन दिखावा उनका देखिए, पूरे शहर की पुलिस खड़ी कर दी है कि कहीं पुतला ना जल जाए। और उन्हीं की नाक के नीचे से जल भी गया। दिखाता है हमारी ताकत को, ये दिखाता है हमारी हिम्मत को, ये दिखाता है हमारे उस जज्बे को, जिस जज्बे को हम लोगों ने 26 अगस्त को शुरू किया था, वो फरमान जिस फरमान ने हमें कहा था कि अब तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं, उस फरमान ने जिसने हमें कहा था कि तुम्हें अपने अब जो है लोगों को चुनने का अधिकार नहीं। एक आजाद देश के अंदर जहाँ के संविधान ने हमें लोकतंत्र व्यवस्था दी है, उसके अंदर कहा कि अब लोकतंत्र को ये व्यवस्था नहीं मानती है। हमने ऐलान किया था उससे कि हम लड़ेंगे इस व्यवस्था के, पुतला जला है अब हम पुतले नहीं जलाएंगे। आज पुतले जल गए हैं, अब जलेगा आवाम अपने हक के लिए, अब घरों के अंदर घुसेंगे उनके, ये आज यहाँ से बता देते हैं दोस्तों। शिक्षा के कंक्लूड करने के लिए बुलाने चाहेंगे एबीपी के नेता साथी। अब तो पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी, अब तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से एक बार गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि यह सूरत और ये हाल बदलना चाहिए। के प्रांगण में उपस्थित छात्र एकता मंच के बैनर तले उमड़ा शिमला शहर का छात्र वर्ग और इस धरने को रोकने के लिए लगाई गई पुलिस की ताकत, मीडिया के बंधु, आप सभी को ध्यान है कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले एक महीने से किस तरह का वातावरण शिक्षण संस्थानों के अंदर चला हुआ है। मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से प्रदेश की कांग्रेस सरकार, जो पहले भी इस प्रदेश में नहीं, इस देश के अंदर जन विरोधी निर्णय लेने के लिए जानी जाती है, छात्र विरोधी निर्णय लेने के लिए जानी जाती है, उसी प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स को, हिमाचल प्रदेश के छात्रों को शिक्षा से दूर करने का काम किया है, शिक्षा से वंचित करने का काम किया है, जिसके तहत आज पूरे प्रदेश के महाविद्यालयों के अंदर, पूरे प्रदेश के जिला केंद्रों के अंदर, उसके साथ साथ आज शिमला शहर के डीसी ऑफिस के बाहर भी वीरभद्र सिंह का पुतला फूंका गया और प्रदेश के मुख्यमंत्री का विरोध किया गया। रिपोर्ट इन्होंने शिमला शहर के अंदर लगाया हुआ है, वीरभद्र सिंह का बड़ा अच्छा पुतला लगाया हुआ है, साथ में हरी टोपी भी लगाई है। लिखा हुआ है कि यह सरकार आपके हितों के लिए बनी है, यह सरकार आपके लिए नीतियां बनाएंगे, यह सरकार आपको शिक्षा में रियायत देगी, यह सरकार आपको स्वास्थ्य में रियायत देगी, यह सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जो आम जनता और आम स्टूडेंट्स के हक में होगी। लेकिन क्या ऐसी पॉलिसियां बनी है मेरे दोस्तों? आज अगर पॉलिसी की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ जन विरोधी
और छात्र विरोधी निर्णय प्रदेश की सरकार ले रही है, जिसके चलते पूरे प्रदेश के अंदर आम जनमानस में भी विरोध है और उस आम जनमानस के साथ साथ छात्रों में भी विरोध चला हुआ। छात्र विरोधी नीतियाँ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र विरोधी नीतियाँ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्तों, आज प्रदेश की सरकार इतनी ज्यादा डर चुकी है कि कभी प्रदेश के विश्वविद्यालय में लाठी चार्ज करती है, कभी रात को सोए हुए लोगों पे लाठी चार्ज करती है, कभी छात्र जो लाइब्रेरी के अंदर बैठा है उन लाइब्रेरी के अंदर बैठे स्टूडेंटों को जो जबरदस्ती बाहर निकाला जाता है, उन्हें यहाँ तक कि अपनी शिक्षा भी अपने एग्जाम तक देने के लिए वो कि यह क्यों इतनी डर चुकी है कि जब हमने रैलियों के लिए अपने लोग पूरे हिमाचल प्रदेश से बुलाए थे तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट के हर एक जगह पर जो पुलिस बिठा दी और हमारे लोगों को रोका गया। मैं बताना चाहूंगा ये क्यों डर चुके हैं इतने, मैं बताना चाहूंगा ये इसलिए डर चुके हैं क्योंकि आज एक ही जगह से वंदे मातरम भी निकल रहा है और एक ही जगह से इनकलाब जिंदाबाद भी निकल रहा है। सब जानते हैं हमारे भाइयों बहनों का जो खून निकला है हमें सब याद है और सबका बदला होगा क्योंकि सबकी जो है वो मारते वक्त फोटो भी साथ में आई है जितने भी पुलिस वालों ने लाई।